Audio Jungle. Assalamualaikum and welcome back my YouTube channel. आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे. तो कल तो रोज़ा पड़ने वाला है, तो आज मैंने सोचा कि आपको जल्दी से तारी की भी फिश एंड चिप्स बनाना सिखा दूँ. तो फिश एंड चिप्स बनाने से पहले आप लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है. तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी. फ्रेश मटर है तो पानी मैंने देखे कितना डाल दिया, एक फुल बॉल पानी का डाल दिया इसके अंदर. और इसके अंदर अभी मटर डालने वाली हूँ. चले जी, इसको मैं चूल्हे पे रख देती हूँ, इनको उबलने देती हूँ. और साथ में पहले चले ये उबलने लगा है, और पहले फ्रेश आलू के मैंने चिप्स बनाए थे वो पहले डालूंगी. हमेशा चिप जो होती है ना, चिप्स पहले बनाएं, बिकॉज चिप्स ज़्यादा टाइम लेते हैं और फिश जो होती है ना वो कम टाइम लेती है. तो 5-10 मिनट के लिए मैंने पानी को गर्म पानी में और सॉल्ट डाल के डुबो के रख दिया था. तो ये देखें अभी इनमें धुआँ निकला. तो अभी चिप्स पहले डालूँगी मैं, और उसके बाद मैं फिश डालूँगी. चले जी, तेल जो है ना वो गर्म होना चाहिए, ठंडा ना होना चाहिए. तो तेल माशाल्लाह मेरा गर्म हो गया है, मैंने मीडियम लगा दिया था. तो चले जी, अभी इसके अंदर आलू डालने वाली हूँ मैं, फ्रेश आलू. अच्छी तरह मिक्स कर ले. जब चिप्स हमारे लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर फिर मैं फिश ऐड करूंगी. बहुत घर पे बना ले, इजी है, जरूरी नहीं है बाहर जाए और बाहर से लेके आए. वो एक्सपेंसिव भी पड़ती है, और घर में ये तो है ना कि आप खुद बना रहे हैं और सेफ भी है और क्विक भी है, जल्दी जल्दी बंदा बना सकता है घर पे. तो आज वेदर भी बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, तो हमने सोचा कि आज फिश एंड चिप्स की पार्टी हो जाए. अगर आप लोगों ने खाना है तो आ जाए जबरदस्त की फिश एंड चिप्स. अभी जो है ना मैं फिश का बैटर तैयार करने वाली हूँ. एक चुटकी भर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया थोड़ा सा, और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी. फिश को पता है कि इस तरह लगाना है, पहले इसको बैटर अच्छी तरह लगा लें इसके ऊपर. मेरा जो बर्तन है ना वो थोड़ा सा छोटा है, तो ये इस तरह मसाला लगा दें इसको, जो इसका बाटर है. इसी तरह मैंने तीनों फिशों को इसी तरह बाटर लगा दूंगी. चिप जो है ना वो भी मेरे रेडी हो गए.
देखिए माशाल्लाह जो चिप्स हमारे थे ना वो रेडी हो गए हैं जबरदस्त से, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर। जो घर के चिप्स बनाए ना जो घर पे फ्रेश, वो इतने मज़ेदार होते हैं। चाट मसाला डाल दें आप अगर आप थोड़ा चटपटा खाना चाहते हैं तो। मसाला चिप्स इंशाल्लाह रमज़ान में वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, जल्दी से बनते हैं जो जो मसाले इसके अंदर। सो अगर आपको चटपटा खाने का दिल करें तो चलें जी, चिप्स सारे मैंने बाहर निकाल दूँ। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, मीडियम होना चाहिए, ज्यादातर पतला नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक ऐड किया और कुछ भी नहीं किया। देखें जी हमारा जो है ना बटर वो जो रेडी हो गया, देखिए जबरदस्त है। चले अभी मच्छी इसके अंदर ऐड करने वाली है, ये जो है ना हमारा जबरदस्त गर्म हो गया है। एक साइज ब्राउन होगी तो फिर मैं दूसरी साइज करूंगी। देखें जी हमारी जो फिश है ना उसका कलर देखिए कितना जबरदस्त आ गया है और इतनी जबरदस्त लग रही है। ये काफी बड़ी सी फिश तो इसको जो है ना देखिए कितनी जबरदस्त लग रही है मुझे। फिश जो है ना हमारी माशाला वो भी है तैयार, अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए हमारी मच्छी का कितना फिश का कितना मज़े का कलर आया है ऊपर, तो अभी मैं प्लेट में डाल के फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो हमारे गार्डन पीस थे वो भी माशाल्लाह तैयार हो गए, ज़बरदस्त हो गए। चूल्हे को मैं भी बंद कर देती हूँ। चलें जी ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखिए आपने देखी है फिश चिप्स कितनी मज़ेदार और जल्दी से बन गई है, तो टाइम आ गया टेस्ट करने का तो मैं नहीं करूँगी। मियाँ साहब कैमरे के पीछे हैं तो उन्हें मैं बुला रही हूँ, वो टेस्ट करेंगे और मैं कैमरे के पीछे जाऊँगी।
तो चलें जी मियां साहब आप आ जाएं और मैं वहां पे जाती हूं। Time to taste this beautiful homemade fresh fish and chips which Irma's made. It is a very quick recipe, ideal for Ramadan. This is one of the dishes that we will be having in Ramadan, preferably on a Friday night, as it's the traditional fish and chips day on a Friday. So we will be making fresh homemade fish and chips, as my parents, they love having homemade fish and chips. So now it's time for me to try. Mashallah, looking at it and the presentation and the fish looks outstanding. It's superb. So Bismillahir Rahmanir Rahim. Gonna give it a try for some fish. Oops. Very crunchy, crispy. मियाँ साहब काफी एंजॉय कर रहे हैं ना मियाँ साहब माशाल्लाह इट्स जस्ट ब्यूटीफुल आई हैव सम बीन्स देयर आई लव माय बीन्स फ्रेश होममेड मुशी पीज भी दे ट्रेस करें वो भी आई नीड ट्राई द होममेड फिश मुशी पीज लाइक एरन सेज माशाल्लाह माशाल्लाह इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल The homemade mushy peas are outstanding, very fresh. It's not the traditional out of a tin. It's made freshly made at home. Do give it a try. Just before I go, do like, share and subscribe our channels. Allah Hafiz. Allah Hafiz.